हेलो दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र पटेल है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल LCS। जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया है और फ़ोन भी किया है कि सर, जो फाइनल ईयर एज वेल एज जो फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम होने वाली है, ऑनलाइन होने वाली है, तो हमारी एग्ज़ाम जो ऑनलाइन होगी या हमें मास प्रमोशन दिया जाएगा। तो अभी ये जो मास प्रमोशन का चक्कर है बहुत सारे बच्चों के माइंड में चल रहा है और मैं आज इसका डाउट सॉल्व कर देता हूँ कि आपका मास प्रमोशन होने वाला है या आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी और थियरी एग्ज़ाम मीन्स पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि मैं सोचा है कि आपको बहुत सारी दिक्कत होती है तो मैं हर रोज़ एक दो वीडियो डालूंगा तो आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो बेसिकली जो आप बोल रहे थे कि हमें मास प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि GTU इस बार कोई मास प्रमोशन देने वाला नहीं है। उसका रीज़न क्या है? तो फर्स्ट रीज़न कि आपका जो कल परसों सर्कुलर आए कि जो 18 प्लस के जो भी बच्चे उनको वैक्सीन लेना ही है, देन आफ्टर दे विल अलाउड टू फिल अप देयर एग्ज़ाम फॉर्म, राइट। तो एक बड़ी अपडेट है कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, राइट, तो उसके बेस पे आपको एग्ज़ाम देनी ही पड़ेगी। तो मास प्रमोशन का जो भी माइंड में चक्कर है वो चक्कर आप निकाल दीजिए, क्योंकि आपको जो फोर्थ एज वेल एज सिक्स को एग्ज़ाम देनी ही पड़ेगी, या ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। अभी देखते हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि 15 मई 10, मेरे ख्याल से कि आपको पहली तारीख से वैक्सीन लगाने शुरू होगी तो वो कुछ टाइम तो देंगे, मीन्स अराउंड 10 मई के बाद आपका एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फिल होने का। लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम कि जो कोविड केसेस है वो डिक्रीज हो जाते हैं टिल मे एंड तक, तो मे बी पॉसिबिलिटी और एग्ज़ाम विल बी कंडक्ट ऑफलाइन, राइट। तो उसके लिए भी तैयार रहिए और MCQ एग्ज़ाम के लिए भी तैयार रहिए। आपको बहुत सारे बच्चे बोल रहे हो कि या कोई लोग बोल रहे हो कि आपको मास प्रमोशन मिलने वाला, इस बार 110% आपको मास प्रमोशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे उनको 3 पेपर कंप्लीट हो गए और 4 पेपर बाकी थे, या 4 पेपर कुछ के 4 पेपर कंप्लीट हो गए 3 बाकी थे। तो उन्होंने क्या किया, उन 3 सब्जेक्ट में मास प्रमोशन नहीं दिया, लेकिन क्या किया, उनके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम अरेंज कर दी। तो उससे क्या होगा, जो भी बच्चों ने एग्ज़ाम वहाँ दी है थियोरी बेस्ड, तो उनका भी ख़त्म हो गया और ऑफलाइन जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम कम्प्लीट कर दी। अगर उनको देना था मास प्रमोशन तो वहीं पर दे देते वो लोग। एंड जो बात है फाइनल ईयर की, तो फाइनल ईयर का जो भी है वो भी एग्ज़ाम में एंड में ही स्टार्ट होगी, क्योंकि आपको जैसे पता है कि फर्स्ट टू टेंथ तो वो देंगे कि आप वैक्सीन ले लो, देन आफ्टर यू हैव टू सबमिट दैट सर्टिफिकेट ऑफ द वैक्सीन, राइट, जो आपको पता चल जाएगा, आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा जब भी आप वैक्सीन लोगे। तो एक यही चीज़ बताने वाला था कि क्यों GTU वाले अब आपको मास प्रमोशन नहीं देने वाले। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी और उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो क्योंकि जो भी बाकी बच्चे हैं वो अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल LCS। एंड वन मोर थिंग, आप घर में रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।